आजमगढ़ मुबारकपुर कमिश्नर कनक त्रिपाठी, डीआईजी सुभाष चंद्र दुबे मुबारकपुर का किया दौरा। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि खाद सामग्री को लेकर कोई भी व्यक्ति को परेशानी होती है तो उसको तुरंत सामग्री पहुंचाई जाएगी। लेखपाल तहसीलदार को यह आदेश देते हुए उन्होंने कहा कि अब तक जनपद की अच्छी व्यवस्था रही है। मुबारकपुर में यहाँ के लोगों में खास तौर पर घनी आबादी है, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। वहीं पर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अपनी ड्यूटी को बखूबी अंजाम दे रही है। सीओ सदर अकमल खान, मुबारकपुर थाना प्रभारी निरीक्षक अखिलेश कुमार मिश्र, एसआई डी के सिंह, चौकी प्रभारी कमल नयन दुबे आदि लोग उपस्थित रहे। आज के चार लाइव न्यूज के साथ सत्यजीत पाठक की रिपोर्ट। के लॉकडाउन भाग 3 जो इस समय प्रभावी चल रहा है, हर भाग में अलग अलग तरीके से कुछ कुछ लिबर्टीज दी गई। उस कड़ी में पुलिस कर्मियों को लगातार हम लोग मौके पर जाकर उनको ब्रीफ कर रहे हैं, जो भी नई गाइडलाइंस आती हैं उनका अनुपालन करने के लिए निर्देशित कर रहे हैं। इस कड़ी में जब भी स्वाभाविक है नई गाइडलाइन आती हैं, जब तक वो पूरी तरह से उन तक कम्युनिकेट होती हैं, थोड़ा सा बीच में कभी कभी ऐसी संक्रमणकालीन स्थितियाँ आती हैं जिसमें पूरी तरह से दिशा निर्देश जमीनी रूप में नहीं उतर पाते। हम लोग लगातार उसी के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। आयुक्त महोदया के साथ मैं स्वयं भी मौके पर जा कर के वहाँ पर जहाँ भी पिकेट्स की ड्यूटीज हैं, बैरियर ड्यूटीज हैं, या बैंक या कोटे की दुकानों पर जहाँ भी पुलिस की ड्यूटीज हैं, जहाँ भी भीड़ है, जहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की या लॉकडाउन के नॉर्म्स की पूरी तरह अनुपालित कराए जाने की आवश्यकता है, मौके पर जाकर हम लोग उसको अपनी तरीके से इंश्योर कराते हैं। जहाँ ऐसी कमियाँ होंगी उनकी समीक्षा करके आगे भी हम लोग प्रॉपर कार्रवाई अनुपालित कराएंगे। सर, मुबारकपुर कई बैंकों में काफ़ी भीड़ देखी गई है, सर किस तरह की लोगों पर नज़र रखी जाएगी? क्योंकि हम सभी लोग जान रहे हैं कि अब हमारे सामने मुख्य रूप से जो चुनौती इस समय है वो बैंकों में, सुविधा केंद्रों में, इसके साथ साथ सब्जी मंडियों में आने वाली भीड़ को पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग के नाम में रखना है। निश्चित रूप से इस चैलेंज में अभी तक हम लोगों ने जहां तक देखा है पुलिस को काफ़ी तत्परता से कार्य करते हुए पाया है। कुछ शिकायतें जो मुबारकपुर को लेकर आप लोगों ने बताई हैं, आयुक्त महोदय के साथ मैं यहाँ पर आया हूँ, हम लोग उसकी भी समीक्षा करके और संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देशित करके उसको भी ग्राउंड लेवल पर आगे से इंश्योर कराएंगे ताकि किसी प्रकार की शिकायतें ना आएं। देखा भयंकर भीड़ है, लोग एक से एक रश में हैं और मतलब बिल्कुल ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं। अब वहाँ एक समस्या और खड़ी हो रही है, लोगों का ये कहना है कि साहब हम 15-15 दिनों से दौड़ रहे हैं, बैंक में हमारा काम नहीं हो रहा, इसलिए भीड़ और बढ़ रही है। तो इसके निराकरण के लिए कुछ आप ऐसी योजना बनाएंगी? नहीं, ऐसी आप समस्या बता रहे हैं कि अभी तक हमने टिकाने में ऐसी कोई समस्या नहीं आई थी, क्योंकि आजमगढ़ शहर में हम लोगों ने खुद ही कई बैंकों का निरीक्षण किया था, वहाँ प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है और लोगों का प्रॉपर काम भी हो रहा है। आप जो बता रहे हैं इसके हम लोग फिर से दिखवा लेते हैं या कहीं कहीं ऐसी समस्या आ रही है उसका निराकरण कर पाते हैं। प्रिकॉशन के लिए आगे क्या रहेगा, इसको आप ऑरेंज जोन से आगे हटाएंगी या क्या करेंगे? नहीं, अभी यहाँ पर जो एक पॉजिटिव केस मिला हुआ था वो निगेटिव हो गया है और उसके बाद का भी 21 दिन भी पूरे होने जा रहे हैं, तो इसको आप नॉर्मल ही यहाँ पर रहेगा, लेकिन फिर भी सतर्कता और सावधानी बरती जाएगी ताकि जो है बाद में भी लोग जो है एकदम निश्चित ना हो जाए। और सैंपलिंग का काम लगातार जारी रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा सैंपलिंग कराई जाएगी और ये भी समीक्षा हमेशा कराया जाएगा। हमारी आशाएँ और ANM और जो हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं कि कहीं कोई ऐसे संदिग्ध व्यक्ति तो नहीं है, और जैसे भी इसकी सूचना प्राप्त होगी तो तत्काल उनकी सैंपलिंग। नहीं, एक चीज़ बड़ी दिक्कत सामने कुछ दिनों से आ रही है, जैसे अभी आप लोग रानी के सराय का केस आया कि बाहर से लोग अब आ रहे हैं और बहुत संख्या में मजदूर जो ट्रकों से आ रहे हैं और मोटरसाइकिल पैदल घरों को आ रहे हैं, ऐसे में संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है, तो इस पर क्या प्रिकॉशन सर? हाँ, जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं, जैसे जो लोग ट्रेन या बस से आ रहे हैं उनके तो प्रॉपर वो की जा रही है, थर्मल स्कैनिंग की जा रही है, और जो भी संदिग्ध पाया जा रहा है उसे अपने इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन कराया जा रहा है, और जो संदिग्ध नहीं है उन्हें घरों में क्वारंटाइन करने के लिए निर्देशित किया गया है, और लगातार उन पर सतर्क दृष्टि भी रखी जा रही है कि वो प्रॉपर ढंग से क्वारंटाइन हो रहे हैं और उस क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा सैंपलिंग भी कराई जा रही है। जहाँ तक ये बात है कि जो लोग सड़क मार्ग से या चोरी से आ जा रहे हैं, इस संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं कि वो गाँव के जो गाँव से जुड़े हुए लोग हैं, जो हमारे ANM आशाएँ और आंगनबाड़ी
पर वो सतर्क दृष्टि रख रही हैं और ग्राम प्रधान से भी फीडबैक लिया जा रहा है कि ऐसे कितने लोग आए हैं और उनका सर्वेक्षण कराकर यदि उनके अंदर कोई लक्षण है तो उनकी सैंपलिंग कराई जा रही है और सभी को होम क्वारंटाइन कराया जा रहा है और इस पर भी लगातार नज़र रखी जा रही है कि प्रॉपर ढंग से होम क्वारंटाइन कर रहे हैं कि नहीं। अभी एक समस्या हमको